बाबूजी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कंपनी खुलवाने के लिए तुमने तो नहीं कहा था, यह सपना तो उन्होंने ही दिखाया था तुम्हें। अब ये सब करने की उम्र नहीं रही आपकी। उम्र से क्या लेना, जिंदा हूँ क्या इतना काफी नहीं? तो क्या बच्चे का ख्याल रखने के लिए बुलाए हो मुझे? यह क्या कर रहे हैं बाबूजी? मुन्ना सिर्फ बच्चा नहीं है, आपका पोता है। पोता? हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाए, ताकि नीचे वाले कमरे में रागनी की माँ और बाबूजी रह सके। और बेटे, ऊपर वाला कमरा तो स्टोर है, उसमें बाथरूम भी नहीं है। क्या हुआ जगदीश बाबू, आपके दोनों बेटों ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया क्या? एग्रीमेंट तो एक जरिया है रिश्तों को परखने का, सब फेल हो गए, सब फेल। तुम्हें मेरे कारण यह दिन देखना पड़ा। सॉरी। सॉरी क्या मोहन? मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, घर में मेरे दो छोटे भाई बहन हैं। ऐसे कैसे हमारे ही बच्चे हमें आदेश दे सकते हैं? अभी आपके साथ जो हुआ वो क्या था? बात वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। संध्या पोथी कल घर आ रही है। वो आके क्या करेंगी? तुम्हारे बाबूजी किसी की सुनते हैं? बहुत समझाने के बाद वो बोला कि मैं एक दो रोज के बाद वापस आ रहा हूँ, सब अल्लाह की रहमत। मैंने काफी सोच समझ कर ये फैसला किया है, अगर उन दोनों को ये मंजूर नहीं है तो स्वतंत्र है, मैं उनके साथ कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा। वैसे तो आपके इस पारिवारिक मैटर में मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन थक गया हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। सोचता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी वृद्धाश्रम में चला जाऊँ, तंग आ गया हूँ मैं इस जिंदगी से। क्यों, आज भी आपके साथ कुछ हुआ क्या? रोज का तो वही बात है, दिन भर घर का सारा काम करूं और ऊपर से बहू और बेटे की बातें सुनूं। मेरा तो कोई सुनता नहीं है, सभी स्वार्थी हैं। हर घर की यही कहानी है तिवारी जी, पता नहीं आजकल के बच्चे अपने माता पिता से क्या आशाएं रखते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अब उन्हें अपने बुजुर्ग माता पिता के विषय में सोचना चाहिए। अब आप ही बताइए, हमारी और आपकी उम्र है घर संभालने की। गोपाल जी, अगर बच्चे मान सम्मान के साथ हमसे कुछ आशा करें तो ये ठीक है, हर घर की परिस्थिति एक समान नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग माता पिता इसे अनुभव नहीं करते, लेकिन बात बात पर उनका अनादर करना, उन्हें प्रताड़ित करना ये अच्छी बात नहीं है, सोचना चाहिए आजकल के बच्चों को। आप ठीक कहते हैं, मैं भी अब यहाँ रहना नहीं चाहता। भावुकता में आकर मैंने कुछ गलत निर्णय ले लिया, जिसका खामियाजा भुगत रहा हूँ। आपकी और कोई औलाद नहीं, चले जाइए उनके पास। नहीं, बस एक ही बेटा है। और आपकी? एक बेटी भी है, मुंबई में रहती है। तो उसके पास क्यों नहीं चले जाते? कहते हैं कि बेटियाँ हमेशा बेटों से बेहतर होती है। वो तो हमेशा हमें बुलाती है, लेकिन। लेकिन क्या तिवारी जी, आप अचानक रुक क्यों गए? हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। वाह क्या बात है, बेटी के घर का पानी नहीं पी सकते और बेटे के घर का अपमान भरा घूंट हमेशा पी सकते हैं? आप नहीं समझेंगे, धर्म परंपराएं संस्कार ऐसा करने से हमें रोकती है। कौन सी सदी में जी रहे हैं आप, काश हमारी भी एक बेटी हो तो धन्य हो जाता। क्या बाबूजी, आप यहाँ बैठे इनसे गप हाँक रहे हैं और हम आपको कहाँ कहाँ खो जाएं? तुम घर चलो, मैं आता हूँ। और हाँ, मेरी वापसी का टिकट कटा देना, मैं पटना वापस जाना चाहता हूँ। पटना वापस जाना चाहते हैं, यह क्या बात हुई? तुम घर चलो, हम वही बात करते हैं। ऐसा नहीं है मोहन कि भैया को तुम्हारी चिंता नहीं है, उन्हें पता है कि तुम्हारी नौकरी चली गई है, वे समझ रहे तुम्हारी परिस्थिति को। बात इतना ही नहीं है बुआ, कृष्णा जो मेरा सहयोगी है इस नए कंपनी में भी मेरे साथ,
और उसने भी मेरे साथ रिजाइन दे दिया। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता, क्या जवाब दूं मैं उसको? आखिर उसने मुझ पर विश्वास किया है। हम समझ सकते हैं आप किस परेशानी में हैं। संध्या और मैंने तो काफी समझाया है भाई साहब को, लेकिन अब अंतिम निर्णय तो उन्हें ही लेना है। मैं तो कहती हूँ कि एग्रीमेंट तुम लोगों को साइन कर देना चाहिए। क्या हुआ अगर इस कंपनी का सीईओ भैया बनना चाहते हैं तो? बनने देते हैं उन्हें? आखिर कंपनी तो तुम्हारी ही रहेगी। एक बार तुम शीला से बात करके देखो, समझाओ उसे। ठीक है भैया, अगर आप कहती हैं तो मैं शीला से बात करता हूँ। भाई साहब से बात करते वक्त मुझे इस बात का आभास हुआ कि उन्हें चिंता है आपकी और शायद अफसोस भी, लेकिन उनके दिल में क्या है ये पता लगाना मुश्किल है। अब तुम्हारा निर्णय क्या है मोहन? अब तुम्हें क्या लगता है? ठीक है बुआ, अब मुझे भी लगता है कि बाबूजी को निराश करना उचित नहीं, लेकिन अगर शीला भी इस बात के लिए मान जाती तो अच्छा होता। सही कहा तुमने, अब आगे भैया क्या चाहते हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आखिर पिता है वे तुम्हारे, तुम्हारे भले के लिए सोचते हैं। तो शीला से बात कीजिए और जितनी जल्दी हो सके एग्रीमेंट पे साइन कीजिए और तुरंत बाबूजी से जाकर मिलिए। बेस्ट ऑफ लक, सब ठीक होगा। ठीक है। हाँ शीला, हाँ मेरी बात सुनो। अच्छा भाई, ले आऊंगा। मेरे टिकट का क्या हुआ? अरे क्या बाबूजी, पटना वापस जाकर करेंगे क्या आप? अब तो हमारा वहां कुछ नहीं है। ये दुनिया इतनी छोटी भी नहीं कि मुझे शरण ना दे सके। वहां जाके हम क्या करेंगे यह मैं डिसाइड करूंगा। अब यहां हमें कोई नहीं रोक सकता, तुम लोग भी नहीं। बाबूजी, एक ही जिद पर क्यों अटके हुए हैं? यहाँ हमारे साथ रहने में क्या परेशानी है आपको? मेरी परेशानियाँ तुम लोगों को दिखाई नहीं देती। मैं तुम लोगों का नौकर बनके यहाँ नहीं रह सकता। हमने कभी आपको नौकर नहीं समझा, ये तो घर का काम है, सब मिलकर ही करते हैं, इसमें बुराई की क्या बात है? आखिर हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। पहले नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया तुम लोगों ने, फिर घर का सारा काम काज करवाने लगे। अब इस उम्र में यह सब नहीं हो सकता मुझसे। दूसरी आया खोज रहे हैं बाबूजी। पहली वाली 2 दिन के लिए छुट्टी लेकर गई, अभी तक नहीं आई। हम दोनों सुबह अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, शाम को वापस आते आते देर हो जाती है। आप समझने की कोशिश कीजिए बाबूजी। अब तुम लोग कब समझोगे? मैंने जो फैसला कर लिया तो कर लिया, मुझे वापस जाना है तो जाना है। जी बाबूजी, आप जैसा चाहते थे हम दोनों ने इस पर अपनी सहमति दे दी। अच्छी बात है, इसे अपने पास रखो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। कल पूरा पैसा मैंने तुम्हारे खाते में डाल दिया है, मन लगाकर काम करना। और हाँ, अब शीला से कहो कि वो वापस आ जाए। अच्छा होगा तुम खुद जाओ और शीला को ले आओ। थैंक यू बाबूजी। मैं भी चाहता हूँ खुश रहो। वैसे भी शीला यहाँ आने के लिए तैयार है, तभी तो इस एग्रीमेंट पर साइन किया है। पर कंपनी आपको ही चलानी पड़ेगी बाबूजी, क्योंकि आपका अनुभव हमें बहुत काम आएगा। और जब आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई चिंता नहीं। बधाई हो मोहन,
प्रणाम बुआ। सब आपका आशीर्वाद है बुआ। आपके आते ही सब ठीक हो गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी होगी हम सबको। मिलेगा, वो भी शानदार। बस एक बार शीला को वापस आ जाने दीजिए। सोहन के बारे में क्या सोचा है भैया आपने? देखता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। जाके कहूँ उन लोगों से कि आकर मिले मुझसे। जी भैया, मैं अभी बुलाती हूँ। पढ़ो गुड़िया, ध्यान से पढ़ो। What do you look at skyward? इतना अंडरलाइन मिस क्यों की है? आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हो गुड़िया। आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है। कल इसकी मिस ने हम दोनों को बुलाया है। गुड़िया, क्या बात है बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा, बस एक दिन होमवर्क नहीं किया तो मिस ने कह दिया जाओ अपने मम्मी पापा को बुला कर लाओ। तैयार रहना कल गुड़िया के स्कूल जाने के लिए। तुम चली जाना, मेरी कल मीटिंग है, ऑफिस सुबह ही जाना है। सारी जवाबदेही मुझ पर ही डाल दो, मैं अकेले जाने वाली नहीं। आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वह क्लास में इंटर ही करने नहीं देगी, बहुत कड़क है। क्या हो रहा है भाई, पढ़ाई हो रही है क्या? प्रणाम बुआ। सदा खुश रहो तुम लोग। तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बुआ? भैया ने मोहन के खाते में पैसे डाल दिए, अब तुम दोनों को मिलने को कहा है। तो क्या मोहन ने एग्रीमेंट पर साइन करके दे दिया? साइन तो कर दिया उन दोनों ने, पर एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। पैसा तो कल ही डाल दिया था भैया ने उनके खाते में। यह क्या कर रहे हो बुआ? सच है, अब चलो तुम दोनों, भैया ने बुलाया है। एग्रीमेंट लेके बुआ? शायद अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक और बाबूजी से मिलकर आते हैं। गुड़िया, तुम अपना होमवर्क करो, हम अभी आते हैं। जी मम्मी। चलिए जी। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। आपने हमें बुलाया बाबूजी? हाँ। बैंक का कितना लोन बाकी है तुम्हारा? लगभग 30-35 लाख रुपए होगा बाबूजी। मैंने तुम्हारे खाते में कल 35 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। जाओ बैंक का पूरा लोन चुकाओ और बैंक से नोटिस सर्टिफिकेट लेके आओ। पर बाबूजी, हमने तो अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं किए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू बाबूजी, हमने आपसे ऊंची आवाज में बात की, इसके लिए बहुत शर्मिंदा है बाबूजी। कोई बात नहीं, वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इसीलिए इंसान का व्यवहार एक दूसरे के प्रति बदलता रहता है। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। वाह भैया, आपने तो एक ही झटके में माहौल बदल दिया, मुबारक हो। बुआ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैंने क्या किया, ये तो आप लोग का पारिवारिक मामला है। नया फ्लैट मुबारक हो तुम लोगों को, बहुत जल्द मोहन की कंपनी का ओपनिंग होने वाला है। तुम लोग खुश रहो, यही मैं चाहता हूँ। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, रिटायरमेंट के बाद उस पुश्तैनी घर को तोड़कर एक नया घर बनाए जिसमें हम सब एक साथ मिलकर एक छत के नीचे रहें। लेकिन तुम लोगों ने नया फ्लैट लेकर मेरा मन छोटा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग खुश रहो, इसी में मेरी खुशी है। भैया, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है और सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। आपने भी तो अपने तरीके से जिंदगी गुजारी है। ठीक कहती हो तुम, इसीलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया। बच्चे खुश रहें और मुझे क्या चाहिए। आप छोड़िए ये सब, मोहन के नए कंपनी की ओपनिंग की तैयारी कीजिए। कब है ओपनिंग बाबूजी? भैया ने उसे भी अपनी कंपनी खोलने के लिए पैसे दे दिए, वो अपनी नई कंपनी के खोलने की तैयारी में लगा हुआ है। तुम्हें भी उसकी तैयारी में मदद करनी चाहिए।
क्यों नहीं बुआ, आखिर वो कंपनी हम सब की है, क्यों बाबूजी? हाँ, हम सब की है। अच्छा ठीक है, रखता हूँ, चलो बाय। बाबूजी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए, लगता है सुरेश चाचा और करीम चाचा से मिलने के लिए गए होंगे। गुड़िया का स्कूल जाने का समय भी हो चला है। तुम चिंता मत करो, अगर बाबू इस समय पर नहीं आएंगे तो गुड़िया को स्कूल में छोड़ दूंगा। गुड़िया, ओ गुड़िया। लगता है बाबूजी आ गए। गुड़िया। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए थे बाबूजी? अरे करीम और सुरेश से मिलने गया था। कल रात गोपाल बाबू का भी फोन आया था, एक आध दिन में वे पटना वापस आ रहे हैं। गोपाल चाचा वापस आ रहे हैं, पर क्यों बाबूजी? सब ठीक तो है बाबूजी। पता नहीं, उनके आने के बाद ही पता चलेगा। बाबूजी, ये रहा बैंक का नॉलेज, एक ही बार में बैंक का सारा लोन चुकता कर दिया। बाबूजी, मैंने अपने नए कंपनी का ओपनिंग डेट 20 तारीख को रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, 20 तारीख को तुम्हारी माँ की बरखी भी है। हाँ बाबूजी, सोचा आपके आशीर्वाद के साथ साथ माँ का भी आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। शीला अभी तक वापस नहीं आई, क्या अभी तक नाराज है वो? नहीं बाबूजी, शीला शाम तक अपने भैया के साथ वापस आ रही है। कल उसके भतीजे का जन्मदिन था, इसलिए परिवार वालों ने उसे रोक लिया। बाबूजी, हमने फैसला किया है कि फ्लैट मिलते ही उसे किराए पर लगा देंगे, और जो किराए का पैसा आएगा उसे आप रखेंगे, ताकि उस पैसे से अपनी जरूरतें पूरा कर सकें। फिर तुम लोग कहाँ रहोगे? हम सब इसी घर में रहेंगे, ताकि आपका ख्याल रख सके। आपको इसमें कोई एतराज है बाबूजी? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं तो हमेशा से चाहता था कि हम सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहें। दादाजी चले, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा और मिस से डांट खाना पड़ेगा। अरे किसकी मजाल जो हमारी गुड़िया रानी को डांटे। मिस की और आप भी कुछ नहीं कर पाइएगा। अरे बहुत तो चलो चलो जल्दी। बाय मम्मी, बाय पापा। भाई बड़ी देर हो जाएगी, जल्दी देर।